पांडे क्लासेज को ज्वाइन करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पांडे क्लासेस बाय परीक्षित पांडे को सब्सक्राइब करें। हाय साथियों, कैसे आप सब। मैं परीक्षित पांडे एक बार फिर से आप सभी का आपके इस अपने यूट्यूब चैनल पांडे क्लासेस बाय परीक्षित पांडे में तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। साथियों, आज मैं आप लोगों के लिए मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चन अनसॉल्व का करा रहा था, तो जिसमें से कुछ क्वेश्चन लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है साथियों, और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन वन अपॉन टेन स्क्वायर थीटा माइनस वन इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा होता है। इसे आपको सिद्ध करना है। ध्यान रखना साथियों, इसको आपको हल करना है, मतलब इस LHS को हल करना है RHS के बराबर हो जाए। तो साथियों, मैंने देखा कि जो मैंने पहला मॉडल पेपर आप लोगों के आप तक पास भेजा, बहुत कम विद्यार्थी अगर उसे देख रहे हैं, और ना तो कोई कमेंट्स करते हैं, ना तो वीडियो को लाइक करते हैं, ना तो सब्सक्राइब करते हैं चैनल को। तो साथियों, अगर यही रिस्पांस रहेगा, इसका मतलब ये है कि आई हैव नथिंग एनीवन टू एबल फॉर यू। ठीक है, मतलब मैं आपके लिए कुछ भी नहीं हूँ, अर्थात मेरे जो क्वेश्चन है समझ में नहीं आ रहे हैं, इसलिए ऐसा होता है। तो साथियों, ये आपके गहन मतलब आगे बढ़ाने के लिए है, आपको गहन से गहन मेहनत करके आगे की ओर ले जाने के लिए सारे क्वेश्चन है। तो इसमें साथियों देखो, पहला क्वेश्चन है, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा, अपने दोस्तों को पास में भी शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है साथियों, पहला क्वेश्चन इसमें दे रखा है कि वन माइनस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन टेन स्क्वायर थीटा माइनस वन इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा होता है। तो सबसे पहले इसको LHS से करते हैं, LHS से इस क्वेश्चन को राइट कर लेंगे। वन माइनस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन टेन स्क्वायर थीटा माइनस वन, इसमें साथियों क्या कर सकते हैं, इसमें इसको लिख सकते हैं आप वन माइनस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन टेन स्क्वायर थीटा, इसको लिख सकते हैं आप वन अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा माइनस वन। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, कुल इस पूरे को राइट आपने कर दिया, जब राइट कर दिया तो इसमें क्या हो जाएगा साथियों, ध्यान दीजिएगा, इक्वल टू इसको कर सकते हैं वन अपॉन वन माइनस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन वन, जो आपका लिखा लिख सकते हैं आप, माइनस लगाए माइनस को लगा दीजिए, कॉट स्क्वायर थीटा का गुणा माइनस वन में कर देंगे साथियों, ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, बटे में क्या बचा आपका, बटे में बचता है क्या, कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है साथियों, अब हम क्या कर सकते हैं इसको, ये जो हमारा अपॉन में है ये वाला वैल्यू हमारा सीधे ऊपर चला जाएगा, ये यहाँ पे चला जाएगा, तो हम लिख सकते हैं इसको वन माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इनटू, इसको ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, कुल का बटे कितना, ये बचा आपका वन माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉट स्क्वायर थीटा से कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा साथियों, कैंसिल हो जाएगा, आपका बचेगा क्या, कॉट स्क्वायर थीटा, आपको यही लाना था। ठीक है, इसको मैं यहाँ राइट कर दे रहा हूँ, तो आपका बचेगा क्या, कॉट स्क्वायर थीटा। ऐसे क्वेश्चन परीक्षा में ध्यान रखिएगा दो नंबर के आते हैं, दो नंबर के क्वेश्चन इस तरीके से पूछेंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों चलते हैं। साथियों ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नंबर टू आपके स्क्रीन पर दे रखा है, इसमें लिखा हुआ है कि त्रिभुज एबीसी में सिद्ध कीजिए कि कॉस ए प्लस बी बाई टू इक्वल टू साइन सी बाई टू होता है। ध्यान रखना है, कई बार साथियों आपसे परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है, और अबकी बार भी आशा है कि ये क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा, निश्चित से और नहीं है कि यही क्वेश्चन होगा, इसकी जगह और भी साइन की जगह इधर टैन हो सकता है, उधर कोसेक हो सकता है, कॉट हो सकता है, मतलब ऐसा रिलेशन उसमें दिया रहेगा, रिलेशन कोई ना कोई रह सकता है साथियों। तो ये ध्यान रखना, यहाँ लिखा है कॉस ए प्लस बी बाई टू इक्वल टू साइन सी बाई टू होता है। सबसे पहले अगर हम चर्चा करते हैं, हम जानते हैं जैसे सपोज करो हमारे पास मिलकर एक ट्राइंगल है, तो इसमें एक ए होता है, एक बी होगा, एक सी होगा, इसमें समकोण बनता है। तो साथियों त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना होता है, 180। यहाँ एंगल का सिंबल नहीं लगाएंगे, ऑलरेडी एंगल बने हुए हैं। ठीक है, तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इक्वल टू 180, 180 अंश होता है। इसमें हम कह सकते हैं कि ए प्लस बी को एक ही जगह रहने दो साथियों, ए प्लस बी को एक ही जगह रहने दो, 180 प्लस सी उधर गया तो क्या हो जाएगा, माइनस सी हो जाएगा। अब क्या करते हैं, यहाँ बाई टू है क्या, हम क्या करेंगे दो से हम कर क्या सकते हैं, इसके दो से दोनों पक्षों में क्या कर दें, भाग देने पर, तो दो से
दोनों पक्षों में भाग देने पर, दोनों पक्षों में क्या करने पर, भाग देने पर। क्वेश्चन परीक्षा में कई बार पूछा गया है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा साथियों। भाग दे देंगे तो यहां हो जाएगा आपका ए प्लस बी होल अपॉन टू इक्वल टू 180 माइनस सी अपॉन टू। अब क्या कर सकते हैं इसके साथियों हम, इसमें दोनों पक्षों में देखो यहां सिद्ध क्या करना था, कॉस है तो हम कॉस से दोनों पक्षों में गुणा कर देते हैं कॉस का, ठीक है। कॉस का दोनों पक्षों में गुणा करने पर, कॉस का दोनों पक्षों में क्या करने पर, गुणा गुणा करने पर। तो जब गुणा कर देंगे तो यहां आप इसको लिख सकते हैं बच्चों कॉस ए प्लस बी बाई क्या टू इक्वल टू, यहां भी अगर कॉस का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कॉस इसको लिख सकते हैं, ये बताइए 180 लिखा है, दो से अगर आधा करेंगे 180 कितना होगा बच्चों 90 माइनस सी में अगर दो से भाग देंगे तो हो जाएगा सी बाई टू। अब देखो यहां ये लिखा है कॉस ए प्लस बी बाई टू इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा जो होता है साथियों वो होता है साइन थीटा, साइन थीटा थीटा जो है कितना है सी बाई टू, साइन सी बाई टू, यही आपको सिद्ध करना था। इतना परीक्षा में हल करोगे आपको दो नंबर मिलेंगे। तो साथियों ये बार कई बार रिपीटेड किया गया क्वेश्चन है, इसे सही से देख लीजिएगा। इस टाइप का यहाँ पे अगर कोसेक है तो यहाँ पे कॉट हो सकता है, यदि अगर यहाँ पे टैन है तो यहाँ पे सेक हो सकता है, इस तरीके से भी वैल्यू आपको दे सकता है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर थ्री बच्चों आपकी स्क्रीन पर, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन नंबर थ्री मैं लेकर उपस्थित हुआ हूँ। इसमें ध्यान दीजिएगा ऐसे क्वेश्चन परीक्षा में आपके दो मार्क्स दो नंबर के आते हैं, ठीक है साथियों ध्यान दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन आपसे छूटने ना पाए, वीडियो लास्ट तक बने रहिएगा। तो इसमें लिखा है साइन थ्री इक्वल टू कॉस ए माइनस 26 डिग्री होता है, या है यहाँ थ्री ए जो है न्यून कोण है। साथियों सबसे पहले ध्यान रखना अगर साइन थ्री ओ को लिखना है क्या हम इसको ये नहीं लिख सकते हैं कि कॉस 90 माइनस थ्री ए, क्योंकि हमें पता है कि कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, थीटा जो है कितना है थ्री ए, थ्री ए हो गया, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इक्वल टू यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लिखा है कि कॉस ए माइनस 26 डिग्री। अब क्या करेंगे हमारा कॉस से कॉस क्या हो जाता है कैंसिल हो जाता है, यहाँ बचता है 90 माइनस थ्री ए इक्वल टू यहाँ बचता है ए माइनस 26 डिग्री। अब क्या करेंगे माइनस थ्री ए को इधर ही रहने दें, इक्वल टू माइनस 26 हो गया, माइनस 26 प्लस 90 अगर उधर जाता है, यह काम कर सकते हैं हम प्लस ए को इधर उठा लाए तो माइनस ए हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 26 डिग्री बचा प्लस 90 डिग्री उधर जाएगा माइनस 90 डिग्री हो जाएगा, यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस 4a माइनस इसको और इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 116 माइनस 116 डिग्री, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, a इक्वल टू क्या हो जाएगा 116 अपान 4, तो a इक्वल टू क्या होगा 4 दूनी 8 3 बचेगा 36 चार नवाई 36, ए का वैल्यू कितना आ गया 29 डिग्री कर रखा है, 3 न्यू कोण है इसमें कोण का मान बताया था, ए का वैल्यू आपका निकल गया कितना 29 डिग्री, ठीक है बच्चों। तो आज मैं इतना ही पढ़ाऊंगा, नेक्स्ट क्लास में लेकर के ढेर सारे क्वेश्चन उपस्थित होगा, लेकिन छोटे छोटे वीडियो आप लोगों को इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप लोगों का मन लगे, लॉन्ग वीडियो होने पर मन नहीं लगता और आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखते भी नहीं है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, धन्यवाद।